नमस्कार दोस्तों, जन्माष्टमी स्पेशल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेवा पाक की रेसिपी, जो कि बहुत ही स्पेशल और स्वादिष्ट होगी। श्री कृष्ण को प्रिय माखन मिश्री से लेकर इस त्यौहार के पारंपरिक व्यंजनों तक आज हम बनाएंगे कुछ ऐसा जो आपके परिवार को खुश कर देगा और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये खास रेसिपी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हमने लिया है आधा कप यहाँ पर लिया है बादाम। फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो और ड्राई फ्रूट्स अपने मनपसंद हिसाब से आप ले सकते हो। सबसे पहले और मैंने यहाँ पर लिया है, साथ ही में लिया है काजू, हाफ कप ही काजू लिया है। एक चौथाई कप मैंने यहाँ पर लिया है गोंद। गोंद से मेवा पाक बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। और दो चम्मच भर के मैंने यहाँ पर लिया है खसखस। और साथ में फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप यहाँ पर किशमिश लेंगे, तो किशमिश को भी हम यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं। और एक कटोरी भर के मैंने यहाँ पर लिया है मखाना। मखाने की क्वांटिटी हम यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा लेंगे, क्योंकि मखाने से यहाँ पर मेवा पाक बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। और दो कप ही यहाँ पर मैंने लिए है मगज के बीज। आप मगज के बीज की जगह पम्पकिन के बीज वगैरह भी ले सकते हो, उससे भी ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। एक कप भर के मैंने यहाँ पर लिया है सूखा वाला नारियल लिया है, इसे कद्दूकस करके लिया है। आप अगर कद्दूकस करके नहीं लेना चाहते हो तो डायरेक्ट जो पाउडर आता है नारियल का वो भी ले सकते हो, उससे भी मेवा पाक बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पर जो सूखा वाला गोला होता है उसे कद्दूकस करके और एक कप भर के यहाँ पर लिया है। और फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं अपने मन पसंद अनुसार। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में डाल दिया है एक बड़ा चम्मच घी। घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे और अब सबसे पहले हम यहाँ पर गोंद को डाल के और गोंद को यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। तो गोंद मैंने यहाँ पर एक चौथाई कप लिया है, इसलिए मैंने एक साथ सारा डाल दिया है। तो अगर आपके पास गोंद की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो और आप ज़्यादा ले रहे हो या फिर ज़्यादा मेवा पाक बना रहे हो, तो गोंद को आप दो बार डाल के फ्राई कीजिएगा। एक बार ज़्यादा गोंद डालने से गोंद आपस में चिपक जाते हैं और अच्छे से फ्राई नहीं हो पाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से फूला फूला एकदम गोंद फ्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं बादाम को। बादाम को भी हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, यानी कि इसे भी हल्का सा भून लेंगे तब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए। बादाम में से जब ये भूनती है तब इसमें से खुशबू आने लगती है, तब हमें पता लग जाता है कि बादाम यहाँ पर अच्छे से भून गई है और ये हल्की सी फूटने भी लगती है। तो ये देखिए, हल्की सी इसमें दरार भी आ गई है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर भुन चुकी है। अब हम यहाँ पर रोस्ट करेंगे किशमिश को, सॉरी काजू को। तो काजू को भी डाल के हम यहाँ पर भून लेते हैं। तो काजू को भी हमें हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है, इसे जलाना बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ड्राई फ्रूट्स को हमें जलाना नहीं है। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर लो मीडियम रखेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर ही हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट यहाँ पर भून कर तैयार करेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम रखेंगे तो ड्राई फ्रूट्स बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर काजू और बादाम को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है और साथ ही में गोंद को रोस्ट करके रख लिया है। अब मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम एकदम लो कर दिया है और ये देखिए, यहाँ पर किशमिश को डाल दिया है। किशमिश को डालते 5 सेकंड के लिए ही मैंने इसे भुना है। 5 सेकंड में किशमिश बहुत ही अच्छे तरीके से भुन गई है। किशमिश को हमें यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं भुनना है, किशमिश बहुत ही जल्दी जलने लग जाती है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से किशमिश को भी हमने भून लिया है। और फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर डालेंगे मखाना, जो कि हमने एक कटोरी भर के लिया है। अब मखाना को हम यहाँ पर इसे भी भून लेते हैं, यानी कि इसे क्रिस्पी सा कर लेते हैं। मखाने के अंदर जो नमी होती है ना, उस वजह से मखाने टूटते फूटते नहीं हैं। जब हम इसे रोस्ट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से, जब भून के तैयार करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाते हैं, यानी कि टूटने लग जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से भून लिया है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्पी से हो गए हैं। अब ये देखिए, आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से मखाने भी यहाँ पर भुनकर तैयार है। अब हम यहाँ पर डालेंगे उसी घी में और उसी कढ़ाई में डालेंगे हम यहाँ पर, जो कि हमने यहाँ पर कद्दूकस करके नारियल लिया था, इसे डाल देंगे। और नारियल आपको पता है बहुत ही जल्दी भुन जाता है, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब ये भुनने लगता है। तो मैंने यहाँ पर नारियल के साथ साथ इसको भूनना शुरू कर दिया है। अब इसके साथ में मैं डालूंगी मगज़ के बीज और खसखस, क्योंकि फ्रेंड्स, ये मगज़ के बीज और खसखस ऐसे ड्राई फ्रूट्स है, इसे हम अकेले में नहीं भून सकते हैं। अकेले भूनेंगे तो ये बहुत ही जल्दी जलने लग जाते हैं, क्योंकि ये जो मगज़ के बीज, जो खसखस होती है, एकदम बारीक बारीक दाने वाली होती है। तो ये इसे हम किसी ड्राई फ्रूट्स के साथ में लाकर भूने तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से भून जाती है। तो मैंने इसे यहाँ पर नारियल के बुरादे के, इसमें जो कद्दूकस किया हुआ नारियल है, इसके साथ में मिला के और इसे भून लिया है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से ये यहाँ पर भून कर तैयार हो गए हैं और बहुत ही जल्दी भून जाते हैं। नारियल बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पर सभी
जो ड्राई फ्रूट्स है उन्हें अच्छे से भूनकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जो गोंद भून कर लिया है गोंद को थोड़ा सा हम यहाँ पर क्रश करेंगे, यानी कि इसे थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। गोंद को हम साबुत नहीं डालेंगे। तो खलबट्टे की सहायता से मैंने इस तरीके से इसको प्रेस करते हुए और इसे अच्छे से मैश कर लिया है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैश हो जाता है। आप इसे खलबट्टे की जगह कटोरी वगैरह से मैश कर सकते हो या फिर मिक्सर में डाल के भी पीस सकते हो। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसे यहाँ पर रोस्ट कर लिया है, यानी कि इसे अच्छे से पीस लिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे एक मिक्सर जार और मिक्सर जार में डालेंगे बादाम, काजू और यहाँ पर हमने जो मखाना रोस्ट करके लिया है उसे डाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बादाम और काजू को हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद में हम इसमें डालेंगे मखाने। तो फ्रेंड्स, पीसने वाले जो मिक्सर में जो ड्राई फ्रूट्स है वो यही है। और आपको पता है कि मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग करके अलग अलग रख रखा है और अलग अलग ही इन्हें रोस्ट किया है, ताकि पीसने वाले जो ड्राई फ्रूट्स है उन्हें अलग कर लें और जो नहीं पीसने वाले हैं उन्हें अलग रोस्ट करके रख लें। तो ये देखिए मिक्सर जार को मैंने थोड़ा थोड़ा चला के और यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए, यानी कि 3 सेकंड में ये अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। इन्हें ज़्यादा पाउडर, बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रखना है। ये देखिए इस तरीके का, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके का हमें यहाँ पर दरदरा सा पीस कर तैयार कर लेना है, क्योंकि मेवा पाक में जो फ्लेवर आता है वो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का आता है, तो वो थोड़े दरदरे से अच्छे लगते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पर एक बड़ा बर्तन और बड़े बर्तन में डालेंगे सबसे पहले हमने जो यहाँ पर नारियल को कद्दूकस करके लिया था, साथ ही में इसमें मगज के बीज और खसखस भी है, तो इन ड्राई फ्रूट्स को हम इसमें डाल देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और साथ ही में हम डालेंगे यहाँ पर जो कि हमने गोंद को क्रश कर लिया है इसे डाल देंगे और इसे डाल के और अब हम इसमें डालेंगे काजू, बादाम और मखाने का जो हमने यहाँ पर मिक्सर जार में पीस कर और दरदरा सा पाउडर बनाया था उसे डाल देंगे। और अब फ्रेंड्स हम इसमें डालेंगे किशमिश जो कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया था। अब यहाँ पर सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेते हैं, ताकि सभी ड्राई फ्रूट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये घुल मिल जाए। तो ये देखिए सभी ड्राई फ्रूट्स को मैंने आपस में मिक्स कर लिया है। अब मैंने गैस पर रख दी है वही कढ़ाई जिसमें मैंने यहाँ पर सभी ड्राई फ्रूट्स को भून कर तैयार किया था। इसे थोड़ा सा साफ कर लिया है टिश्यू पेपर से और इसमें हम डालेंगे यहाँ पर 2 कप भर के चीनी और 1 कप यहाँ पर लेंगे पानी। चाशनी बनाने के लिए यही रेशो रहेगा, 2 कप चीनी और 1 कप पानी। अगर आप मीठा खाना कम पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ा कम कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसे अच्छे से चलाते हुए मेल्ट कर लेती हूँ और चाशनी को हम यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके का बनाना है कि थोड़ी सी चाशनी जैसे सेट टाइप की चिपचिपी सी होनी चाहिए, यानी कि हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा जैसे चीनी पिघलते हैं मैं इसे थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए थोड़ा चिपचिपा लग रहा है और तार भी थोड़ा सा कम आ रहा है, यानी कि पूरा तार नहीं बन रहा है। तो इस स्टेज पर हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है और बंद करने के बाद में जो हमने ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके रखे थे उसे डाल देंगे। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट डालने के बाद में अब हमें इसे चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और अब गैस का फ्लेम मैं यहाँ पर ऑन कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम ऑन करके और लो मीडियम फ्लेम पर हमें यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक इसे पकाना है, यानी कि इसे इतना पकाना है कि ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए और जब तब ये जमने की कंसिस्टेंसी में ना जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से गाढ़ा हो जाता है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। और साथ ही में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा जायफल। जायफल डालने से क्या होता है फ्रेंड्स कि मेवा पाक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप लाइक करते हो तो डाल लीजिए, वरना स्किप कर सकते हो। तो थोड़ा सा जायफल को हम यहाँ पर घिस कर डाल देते हैं, जायफल से मेवा पाक बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इसे घिस के थोड़ा सा डाल देती हूँ और इसके बाद में हम इसे फिर से मिक्स कर लेते हैं, यानी कि इलायची का पाउडर और जायफल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये पैन छोड़ रहा है जो हमारा मेवा पाक हमने बनाया था, ये बहुत ही अच्छे तरीके से जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब इसे जमाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर बर्फी वाली ट्रे। अगर आपके पास ये ट्रे ना हो तो आप कोई थाली या प्लेट ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसे और ये घी लगा के और ग्रीस कर लेती हूँ। तो हमने यहाँ पर जो भगवान कृष्ण जी के भोग बना रहे हैं वो हम यहाँ पर घी में ही बनाएंगे, ऑयल का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसे ट्रे के अंदर डाल के और फैला लेते हैं, यानी कि हम इसे जमाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने सारा मिश्रण है वो इसमें ट्रे के अंदर डाल दिया है और इसे स्पैचुला की सहायता से इस तरीके से फैला लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से फैल जाता है और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से फैला के और ऊपर से मैं इसे थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ। गार्निश करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर
जो पिस्ता है हरे हरे, उससे मैं यहाँ पर इसे सजा रही हूँ ताकि ड्राई ये मेवा पाक है वो हमारा एकदम मार्केट में वाला लगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा सजा दिया है, बहुत ही अच्छी इसकी लुकिंग आई है। अब ये हल्का सा ठंडा हो गया है, यानी कि थोड़ा आधे घंटे के लिए मैंने इसे रख दिया था, अब इसके बाद में ये हल्का सा थोड़ा सेट हो गया है। अब मैं इसे थोड़ा सा कट कर लेती हूँ, क्योंकि कट हम इसे पहले ही कट करके रखेंगे, कट ये बाद में नहीं होगा, क्योंकि ये सेट होने के बाद में थोड़ा टाइट हो जाता है। तो हम जब ये हल्का सा सेट होएगा तभी हमें इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए आपको लग रहा होगा कि अभी सेट भी नहीं हुआ और मैंने इसे कट कर दिया है, तो इसी स्टेज पर हमें यहाँ पर इसे कट लगा देना है। बहुत ही अच्छे तरीके से कट लगा दिया है और मैंने इसे 4 से 5 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देना है। ये देखिए फ्रेंड्स 4 से 5 घंटे हो गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये मेवा पाक सेट हो चुका है। आपको मैं दिखा रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर ये जमकर तैयार हुआ है। अब हम यहाँ पर आपको निकाल कर दिखाएंगे। तो ये देखिए एक मेवा पाक का मैं पीस यहाँ पर निकाल लेती हूँ, हल्का सा और कट लगा लेती हूँ। कट तो हमने पहले ही लगा लिया था, लेकिन हल्का सा और कट लगा के और इसे इस तरीके से हम नाइफ की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से ये मेवा पाक जमकर तैयार हो गया है, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है, बिगड़ने का कोई नाम भी नहीं है। आप श्री कृष्ण भगवान के लिए ये भोग बनाकर तैयार कर सकते हो इस जन्माष्टमी पर। तो ये देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये रेसिपी बन जाती है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।